कानपुर में पड़ी व्यापारियों की यहां छापेमारी पर बोले सपा प्रवक्ता विजय द्विवेदी, अखिलेश की रैली में आने वाली भीड़ से बीजेपी बौखलाई। छापों से समाजवादी पार्टी को जोड़कर समाजवादी की छवि को खराब करने की नाकाम कोशिश कर रही है भाजपा। कानपुर व्यापारी पीयूष अम्बरीश जैन ने समाजवादी एमएलसी का कोई लेना देना नहीं, सपा का उनसे कोई लेना देना नहीं है। कन्नौज में किसी छापे से सपा का कोई लेना देना नहीं है। कन्नौज सपा कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता, इस दौरान सदर विधायक अनिल दोहरे भी रहे मौजूद। आज ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या उद्देश्य है इसका? भारतीय जनता पार्टी द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की विजय रथ यात्राओं में उमड़ी भीड़ से उनकी लोकप्रियता को देख करके भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, जिससे वो ईडी, जीएसटी, इनकम टैक्स द्वारा जो छापे प्रायोजित करके समाजवादियों के ऊपर भी डलवाए गए हैं और जो अन्य लोगों पर भी डाले जा रहे हैं, उनसे समाजवादी पार्टी को जोड़ करके समाजवादी पार्टी की छवि को खराब करने की नाकाम कोशिश कर रही है। कानपुर में पीयूष जैन या अम्बरीश जैन के यहाँ डाले गए छापों में कोई भी पीयूष जैन या अम्बरीश जैन से समाजवादी पार्टी के एमएलसी का कोई लेना देना नहीं है, सपा का उनसे कोई लेना देना नहीं है और न कन्नौज में किसी छापे से सपा का कोई लेना देना है। जो विभाग है आईटी या जीएसटी वो अपनी कार्रवाई करे, सपा का कोई उनसे मतलब नहीं है, केवल माननीय अखिलेश यादव की छवि को खराब करने के लिए, चूंकि कन्नौज समाजवादी धरती है, समाजवादियों का गढ़ है, तो उसको सपा से नाकाम कोशिश करके छवि खराब करने के लिए केवल जोड़ा जा रहा है। जैसे जानकारी मिली थी कि इत्र, जो सपा की इत्र है, उसमें पीयूष जैन का भी उसमें नाम आ रहा है? नहीं, समाजवादी इत्र समाजवादी पार्टी के एमएलसी और एक बड़े कारोबारी से हमारे एमएलसी पंपी जैन ने लॉन्च किया है। पीयूष जैन, प्रत्यूष जैन, किसी का कोई लेना देना उससे नहीं है, उन्होंने लॉन्च किया है, वो कारोबारी है, उनका सब लेखा जोखा रजिस्टर्ड है, उनका पेट्रोल पंप है, उनका सब है यहाँ कानपुर में, उनके चार भाई हैं, उनका कोई भाई कोई इसमें कोई लिप्त नहीं है। और केवल जैन होने से, एक बिरादरी से सारे बिरादरी के लोग कोई अपराधी या किसी में उनको हम संलिप्त तो थोड़ी कह सकते हैं। अगर ऐसा है तो नीरव मोदी जो पैसा लेके भाग गए थे विदेश, तो क्या वो प्रधानमंत्री मोदी के रिश्तेदार हैं क्या?